नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत कुमार। वेलकम टू आवर चैनल गेट रेडी फॉर जॉब। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस रिकॉर्ड में 2017 कांस्टेबल, जहां पर वैकेंसी है 5000 से भी ज़्यादा। तो आज हम राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट के ऊपर बात करने से पहले एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे वीडियो के दिया हुआ नीचे लिंक है, सब्सक्राइब लिखा हुआ रेड कलर का बटन है, वहाँ पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल के साथ डायरेक्टली जुड़ जाइए ऑल ओवर इंडिया जॉब वैकेंसी के बारे में अपडेटेड न्यूज़ जानने के लिए। तो आइए बात करते हैं राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट 2017 कांस्टेबल 5390 से भी ज़्यादा वैकेंसीज ओपनिंग है। तो ये जो लोग पुलिस में जाना चाहते हैं वो लोग राजस्थान पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, राजस्थान पुलिस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान स्टेट इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल्स फॉर फिलिंग ऑफ 5390 वैकेंसीज द राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल रिकॉर्ड 2017-18 और ऑनलाइन आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो कि 23 अक्टूबर को शुरू हो चुका है एंड क्लोज ऑन 21 नवंबर 2017, मतलब 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट है कॉन्स्टेबल पोस्ट, टोटल वैकेंसीज है 5390 एंड जो एज लिमिट है वो 18 से 23 साल तक एंड पे स्केल है 5200 से 20200 तक प्लस ग्रेड पे एक्स्ट्रा, जो कुल मिला के होता है 2400। तो अब हम देखते हैं इनके लिए क्या क्या एडुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन 10th क्लास विथ 12th पास और 10 प्लस 2 इन एनी स्ट्रीम पास्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड, मतलब जो लोग 10th क्रॉस कर चुके हैं और जो लोग 10 प्लस 2 भी क्रॉस कर चुके हैं वो आर्ट्स के भी स्टूडेंट हो सकते हैं, साइंस के भी स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना होगा कि आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड स्कूल से पास आउट होना होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस है रिटेन एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू, मतलब तीन दफ़ा में आपको सिलेक्शन किया जाएगा, रिटेन एग्जाम, फिजिकल स्टैंडर्ड एंड इंटरव्यू टेस्ट के जरिए। एप्लीकेशन फीस है 400 फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी एंड अदर स्टेट कैंडिडेट्स, मतलब 400 रुपया जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए और जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं एंड 350 रुपीज फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स, जो लोग एससी एसटी से बिलोंग करते हैं वो लोगों के लिए 350 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेंगे। और आपको पेमेंट भी करना होगा, द फी शुड बी मेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड यूजिंग नेट बैंकिंग और क्रेडिट और डेबिट कार्ड, मतलब आप नेट बैंकिंग के जरिए आप ये फीस दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल साइट को चेक इन करते हैं। मैं यहाँ पर ये इंटरफेस डायरेक्टली खोल के रखा हूँ, आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके www.police.rajasthan.gov.in या तो फिर मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक दे के रखा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्टली ये पेज खोल सकते हैं अगर आपको कोई दुविधा होती है। और भी एक बात, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं नोटिफिकेशन लिंक भी दिया हूँ जहाँ से आप वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल्स आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, तो आप लोग थोड़ा प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। और यहाँ पर क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का जो अप्लाई लिंक है, ये अप्लाई लिंक को आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और इंटरफेस आएगा जस्ट लाइक एस। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, साइन अप हेयर करना पड़ेगा, साइन अप हेयर पर आप क्लिक कीजिए और वहाँ पर खोलने के बाद आपको जो जो डिटेल्स मांगते हैं, जैसे कि आपका बायोडाटा, आपका फोटोकॉपी, आपका सिग्नेचर, वो आप फिलअप कीजिए एंड फिलअप करने के बाद प्रिंट आउट एप्लीकेशन कर लीजिए। तो ये है आज का हमारा न्यू टॉपिक, राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट फॉर कांस्टेबल 5390 वैकेंसीज। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है या तो फिर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि अगर कोई क्वारीज आपके पास रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मैं जीत कुमार, मैं आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यहाँ पर रेडी हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो एंड टच अप विद माय चैनल। थैंक यू सो मच।